सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्टन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी ग्रो ऐप में नॉमिनी कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं सबसे पहले चलता हूं अपने ग्रो ऐप के ऊपर और यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यहां पर आप अपना नॉमिनी कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम अपने ग्रो अकाउंट में आ चुके हैं। इस तरह से आपका जो ग्रो अकाउंट का होम पेज है वो दिखने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर की तरफ अपने जो प्रोफाइल है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर की तरफ अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए अकाउंट डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड पैन नंबर, सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको अपना डीमैट अकाउंट नंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ नॉमिनी डिटेल्स का एक ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, डिक्लेयर नॉमिनी। तो देखिए आपको दोस्तों अपने ग्रो अकाउंट में या किसी भी डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर लेना है। अगर इन फ्यूचर आपके साथ कुछ दुर्घटना होती है तो जो आपका डीमैट अकाउंट है इसका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपके नॉमिनी के पास चला जाएगा। तो सिंपली हम नॉमिनी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एक नॉमिनी ऐड करने वाला हूँ, तो फटाफट से मैं यहाँ पर ऐड नॉमिनी के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर मेरे को सारी डिटेल नॉमिनी की डाल देनी है। यानी यहाँ पर नॉमिनी का नेम, यहाँ पर नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर नॉमिनी की DOB, इसके साथ ही यहाँ पर ID प्रूफ आपको डालना होगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर पैन नंबर, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको डालना होगा नॉमिनी का। तो दोस्तों मैं फटाफट से सारी डिटेल ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों हमने नॉमिनी की सारी डिटेल्स ऐड कर दी है। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर अपने आधार कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, ई साइन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए आपको अपने आधार कार्ड को यहाँ पर ई साइन के लिए यूज़ करना है, ना कि नॉमिनी का। तो अपना आधार कार्ड नंबर डाल के मोबाइल OTP से इसे कन्फर्म करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक नॉमिनेशन फॉर्म खुल चुका है। तो यहाँ पर हमें अपने नॉमिनी की जो डिटेल हमने डाली है उससे वापस से क्रॉस चेक कर लेना है। तो मैं एक बार यहाँ पर फिर से क्रॉस चेक करके इसे साइन नाउ करने वाला हूँ। जैसे आप साइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें ई साइन के लिए अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। तो यहाँ पर हमें अपना पर्सनल आधार कार्ड नंबर डालना है, ना कि नॉमिनी का। तो मैं फटाफट से अपना आधार नंबर यहाँ पर डालता हूँ। यहाँ पर हमें ये चेकबॉक्स को टिक करना है। इसके बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपके आधार नंबर का OTP आ जाएगा। देखिए OTP मैंने डाल दिया है। अब जैसे मैं वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा नॉमिनी ऐड हो जाएगा। तो देखिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूँगा मैं तो यहाँ पर मेरा नॉमिनी लिस्टेड हो जाएगा। तो अभी देखिए दोस्तों मैं नीचे की तरफ वापस से आता हूँ। देखिए नॉमिनी डिक्लेयर नॉमिनी का ऑप्शन यहाँ से हट चुका है। अभी नॉमिनी डिटेल्स का ऑप्शन मेरे पास आने लग गया। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नॉमिनी की सारी डिटेल मेरे सामने दिखने लग जाएगी। तो इस तरह से आप भी दोस्तों अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मस्ट रिकमेंडेशन है कि आप अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करके जरूर रखें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू। बाय बाय।